तो जो जिस शरीर में प्रवेश करता है वो अपने आप को वही मान बैठता है। आप कबूतर के शरीर में प्रवेश कर जाओ तो कबूतर मानोगे अपने आप को, फिर मनुष्य के साथ पहचान नहीं कर पाओगे आप। आप कबूतर के साथ पहचान करते हो? नहीं करते हो। वृक्ष आपके साथ पहचान करता है? नहीं करता है। आप वृक्ष के साथ पहचान करते हो? नहीं करते हो। समझ गए आप? ऐसा नहीं कि मारुति 800 में बैठकर आप सोच रहे मुझे मर्सिडीज का आनंद क्यों नहीं आ रहा, इतने झटके क्यों लग रहे हैं मुझे, कितने पैसे दिए आपने तो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें ऑडी और मर्सिडीज का आनंद मिलेगा? जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा तुम्हें। इसी तरह का भौतिक शरीर हमें मिलता है और भौतिक शरीर में जैसे ही प्रवेश कर जाता है वो अपने को चिड़िया मानता है, कुत्ता मानता है, बिल्ली मानता है, सुअर मानता है, जो भी मानता है, और उसी को वो शाश्वत समझने लगता है। क्या माया है देख भगवान की। जिस शरीर में आप प्रवेश करेंगे उसी में ही आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे यहाँ पर कबूतर घूमते रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, खेलते रहते हैं, मजा आता है उनको। आप कोरोना वायरस के चक्कर में परेशान हो, सब नाक में जो है मुंह में मास्क लगा के घूम रहे हो और कबूतर मजे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एयरपोर्ट में देखा पूरा जो है उनका फैमिली जा रहा है वो पक्षियों का, डक डक बतक, बतक का पूरा परिवार जो है जहाँ से जो है क्या कहते हैं टेक ऑफ होता है प्लेन का, उस एरिया से वो लोग अपना घूम के जा रहे हैं, क्योंकि कोई प्लेन ही नहीं है, सारे इंसान जो है अंदर बंद हैं कमरों में मास्क लगा के, अब पशु पक्षी आज़ाद घूम रहे बड़े आनंद में। डॉल्फिन निकल आए, कहीं पेंगुइन निकल आए, कभी कोई निकल आए, सब जानवर बाहर आ गए, बड़े आनंद में, बड़े खुश हैं। उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य समाज में लोग, मानव समाज में लोग किस तरह से दुखी हैं, कितना परेशान है वायरस के कारण, कोई मतलब नहीं है उनको इससे। बड़े खुश हैं वो लोग, हमसे ज्यादा खुश हैं अभी पशु। हम बड़े खुश थे ना पहले, अब उनके खुश होने का समय आया है। अब बड़े खुश हैं वो लोग, बहुत तंग किया हमने उनको, बहुत बर्बाद किया, बहुत परेशान किया हमने, अब मजे से घूम रहे हैं। अभी भी देखिए उनकी बड़प्पन देखिए, हमें परेशान नहीं कर रहे हो, वो बदला नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्वच्छ स्वतंत्र होकर बड़े आनंद में, बड़े सुखी होकर जिस शरीर में भी हैं बड़े सुखी होकर घूम रहे हैं। और आप मास्क लगा के घूम रहे हो, कमरे में बंद हो, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, या नहीं हंसना वहाँ नहीं रोना, या नहीं खाना वहाँ नहीं खाना, या नहीं लेटना वहाँ नहीं लेटना, वहाँ नहीं उड़ना या नहीं जाना, ऊपर उड़ोगे तो क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, ट्रेन में जाओगे तो ऐसा होगा, बस में जाओगे तो ऐसा होगा, बाएं जाओगे दाएं जाओगे ऊपर जाओगे, कितनी सारी समस्याओं से घिरे हो। और मजे की बात देखिए क्या है, जैसे ये सब ठीक होगा माया का ऐसा प्रभाव होगा जिसको कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति, फिर से ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं था, ये तो एक साल के लिए था, लेट अस एंजॉय अगेन, लेट्स हैव अ पार्टी, अब कोरोना खत्म हो गया, भूल जाओगे सब, सब भूल जाओगे, कोई रियलाइजेशन कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, सब माया के प्रभाव में फिर से दोबारा उसी चक्र में इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे, फिर से दोबारा पुनर्मूषिका भवा। मूषिका भवा नहीं, मूषिका भवा तो चलो वो फिर जो है कुछ तो एहसास करे कि भाई चूहा बन गया, पहले शेर बनने की कोशिश कर रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जैसे ही सब कुछ ठीक होगा सब भूल जाएंगे हम लोग। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, बुखार होता है, मरकट वैराग जिसको कहते हैं, यानी कि आपका वैराग स्मशान भूमि तक सीमित है, जैसे कोई मरा सब लोग रोने लगे, दुखी हो गए, शोक सभा में गए। आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़े उद्योगपति, अभी पता चला हमें किसी ने बताया था, बहुत बड़े उद्योगपति जब उनकी मृत्यु हुई उसी दिन शाम को उनके घर वाले जो है सब लोग शराब पी रहे, सेम डे रात को, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, उन्होंने कहा सर बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे, तो आज मृत्यु हुई है साहब की, आज ये लोग सब पी रहे हैं, आज ही ड्रिंक कर रहे हैं, सब भूल गए, जो गया वो गया, कि क्या रोना क्या दुख मनाना। तो इस तरह से है ये संसार, माया का ऐसा प्रभाव है, भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप ऐसे बांध देती है माया में, ऐसा लगता है कि जो आप देख रहे हो जो